Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. सूरज को रोशनी दिखाने वाली कहावत को सही साबित करना हो तो इंस्टा स्टोरी के बारे में किसी मिलेनियल से बात करके देखिए। तमाम नए फीचर्स से लेकर क्या कुछ पाइपलाइन में है, सब कुछ पता होता है। नेकी कर दरिया में डाल की जगह अब कुछ भी कर और इंस्टा स्टोरी पर डाल कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या आम है और क्या खास, सब इंस्टा स्टोरी के दीवाने हैं। कई लोग इंस्टा पोस्ट डालें या नहीं, रील्स पर होंठ हिलाएं या नहीं, लेकिन इंस्टा स्टोरी डालना नहीं भूलते। वैसे स्टोरी का एक फायदा ये भी है कि वो आपके होम स्क्रीन पर नजर आती है। कहने का मतलब, हो सकता है कि पोस्ट चली गई हो नीचे, लेकिन स्टोरी तो सबसे ऊपर नजर आती है। एक बार डालने के बाद नजर भी आती है पूरे 24 घंटे, और कमाल ये कि जितनी मर्जी चाहे डालते रहो, नई जुड़ती जाती है पुरानी के साथ और कारवा चलता रहता है। हाईलाइट करके अपनी प्रोफाइल पर शो करने का ऑप्शन भी मिलता है। स्टोरी के स्टोरी पर तो बहुत बात हो गई, अगर आपका मन स्टोरी को अपनी इंस्टा पोस्ट पर डालने का है तब क्या होगा। अब ऐसा नहीं करने की कोई वजह नहीं और करने की बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो ये कि स्टोरी तो वैसे भी 24 घंटे में गायब हो जाएगी, लेकिन पोस्ट तो तब तक रहेगा जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं कर देते। मतलब पोस्ट तो सब डालना चाहते हैं लेकिन कंठाल आता है। ऐसे में थ्री इडियट्स के चतुर की वो बात याद आ जाती है, धन होता तो सबके पास है लेकिन देता कौन नहीं। अब कंठाल बोले तो आलस, क्योंकि मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। फिर बात स्टोरी का कंटेंट चुनने की हो या फिर टेक्स्ट लगाने की, वो सब दोबारा कीजिए। अब इसमें एक पेंच भी है, वो ये कि स्टोरी की तरह इफेक्ट डालने या ड्रॉ करने का कोई टूल नहीं होता। मतलब पोस्ट की अपनी सीमाएं या लिमिटेशंस हैं। कितना शानदार रहे कि मेहनत से बना इंस्टा स्टोरी आम इंस्टा पोस्ट के तौर पर पोस्ट हो जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका इंतजाम इंस्टाग्राम में खुद रखा है। आप अपनी इंस्टा स्टोरी को सीधे इंस्टा पोस्ट पर शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, बस हम यहाँ क्यों हैं वही स्टेप्स बताने के लिए, आइए जानते हैं। पहला, अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कीजिए, आपको अपनी स्टोरी नजर आएगी। दूसरा, स्टोरी के नीचे हाईलाइट्स, फेसबुक और मोर नजर आएंगे। इसके बाद मोर पर आपको क्लिक करना है। शेयर एज पोस्ट पर क्लिक कीजिए, एडिट करने से लेकर कैप्शन डालिए और पोस्ट शेयर कर दीजिए। ये सारी जानकारी आपके लिए लिखी थी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।